पैक करने के लिए, तो वही उसके ऊपर उल्टा पड़ गया है। उर्मी को ये आज सच्चाई पता चल चुकी है और वही बस खुलासा हो रहा है सम्राट के सच्चाई का। तो हम आज सब, हमें पता लगेगा, हम सबको एक शॉक लगेगा कि सम्राट ने इतनी घटिया हरकत की है अपनी बीवी के साथ। मैं सम्राट की बहन हूँ, मुझे भी शॉक लगेगा कि मेरे भाई ने इस तरह का एक प्लानिंग की है, एक साजिश की है उर्मी के लिए, कि एक लड़के को, एक बाहर के लड़के को, उसको थोड़े पैसे वैसे दे के उसके पीछे लगाया है और उर्मी के कैरेक्टर को पे शक किया है। तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहेगा उस पे? वी ऑल आर शॉक्ड, सबका एक शॉकिंग रिएक्शन है कि ये तो एक एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि हस्बैंड कैन डू दिस टू हिज वाइफ। ये बिल्कुल ही एक शॉक की तरह हम सबके लिए होगा। तो उर्मी जो उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं, तो क्या एक्शन लेंगी? एक्शन तो यही लेंगी कि बहुत बहुत बड़ा झटका लगा, एक धक्का लगा, एक एज अ वाइफ उनको ये सोच नहीं, हस्बैंड बहुत प्रोटेक्टिव होता है अपनी वाइफ के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉक लगा है। शी इज़ टेकन अ बैक एंड पता नहीं वो है, पता नहीं उर्मी जो है वो अंदर से तो बहुत सॉफ्ट है, अब मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा हो पाएंगी, लेकिन एक झटका तो उनको ज़रूर लगा है। तो उर्मी और सम्राट का फिर अभी ब्रेकअप होगा कि मतलब कंटिन्यू रहेगा मैरिज? मैरिज तो नहीं ब्रेक होगा, मैरिज तो रहेगा ही, जैसे कि हमारी इंडियन कल्चर है और उर्मी जिस तरह की वाइफ प्ले कर रही है वो काफ़ी ठहराव है, पेशेंस है, तो बर्दाश्त करेंगी, लेकिन हाँ एक स्टैंड वो ज़रूर लेंगी अपनी इज्जत वापस लाने के लिए, पर शादी तो नहीं टूटेगी। आपके हिसाब से क्या पनिशमेंट देना चाहिए अरमान को, क्या होगा? मुझे लगता है कि इन चीज़ों को इंसान जब खुद रियलाइज़ करता है तो सबसे बड़ी पनिशमेंट वही होती है कि उसको माफ़ कर दो, जाने दो, एक अपना उसको दिखाओ कि उसने कितना गलत काम किया है। सज़ा देने से और वॉयलेंट होने से तो कुछ नहीं होगा, जिस तरह की उर्मी स्टेप लेगी वो यही बहुत सटल होगा कि उसको रियलाइज़ हो। हम सब विश विश करेंगे कि सम्राट को रियलाइज़ हो। तो सम्राट ने क्यों उर्मी के पीछे लड़के छोड़ दिया, क्या शक था सम्राट को अपनी वाइफ पे? शक तो कुछ नहीं था, बस वो एक उर्मी ने डांस क्लास कर ली थी अपनी, वो भी मर्ज़ी से नहीं, अपनी मम्मी माँ की परमिशन के साथ ही की थी, तो ये बात सम्राट को अच्छी नहीं लगी। जिस तरह से आप जानते हैं उसका नेचर है, बहुत डोमिनेटिंग है, नहीं अच्छा लगा उसको कि उसने डांस क्लास ज्वाइन कर ली, तो बस इस वजह से। की तरफ भी देखा, स्माइल फेस पे परेशान है वो, अभी गर्दन जी को लुक दिया, सक्सेस हो गया प्लान। चेंज ओवर करके आपने पूछा उससे, कट विजय क्या बोल रहे हैं, लाइन बता जल्दी से, लोन लाइन बता जल्दी से। हाँ क्या मतलब है ये सब सम्राट, खुद फंसेगा? क्या मतलब है ये सब सम्राट, खुद फंसेगा, हमें भी फंसाएगा, एक शब्द भी नहीं बोलेगा पुलिस के सामने, और पैसे दिए थे नौटंकी के लिए, क्या मतलब है ये सब, किससे बात कर रहे थे? हाँ किसके बारे में बात कर रहे थे? चलिए रेडी रोल चेंज ओवर, खोद रहा हूँ, कुरेद रहा हूँ। हाँ हाँ वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा, अभी वास्तव से दुख शिफ्ट करके। हाँ रोल, उसने इशारा किया, बोल रोलिंग, मैगजीन आगे रखो, रेडी रोलिंग एक्शन। ने बोला बोलो आप स्टार्ट, क्या मतलब है ये सब सम्राट, खुद भी फंसेगा, खुद फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा, सीधा ये क्या मतलब, मुझे क्या मतलब है सम्राट, क्या मतलब है ये सब सम्राट, यही था ना इसका मतलब। हाँ, ठीक है, मुझे लगा एक लाइन मिस कर गया, ठीक है क्या मतलब है जय सब सम्राट, खुद भी फंसेगा, मुझे भी फंसाएगा। भाई साहब सामने मत खड़े रहिए, स्माइल देखते रहो उसको, और भी बाजू में खड़ी है स्माइल, बहू को इधर ही खड़ी, बहू पास में सम्राट के पास, वापस ताजी को लुक दो, सक्सेस हो गया मीटिंग। सम्राट को देखो, सम्राट बोल रहा है, हाँ सुन लिया सबने, इन सब में मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है, समझे? ताऊजी ने देखा उसको, अब उर्मी जाती है उसके पास, उर्मी को देख, क्या इन्वॉल्वमेंट है सम्राट जी, क्या इन्वॉल्वमेंट, वो ये है कि मनीष को मैंने ही आपके पीछे लगाया, डांस क्लास जा रही थी तो रोल एक्शन। सम्राट बहू अगर डांस क्लास जा रही थी तो कुछ गलत नहीं कर रही थी, लेकिन तुमने जो किया ना वो कोई नहीं करता है, अरे बदला लेने और सजा देने के लिए अपनी बीवी के पीछे किसी पराए आदमी को लगा दिया, छी कंचन बदे, छी देवर जी, छी डूब मरने वाली बात ही है सर, भूल गया है सम्राट, उर्मी गई सम्राट के पास, सम्राट जी
सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए, हमसे बदला लेने के लिए आपने इतना गिरा हुआ काम किया? एक आदमी को पैसे देकर आपने हमारे आबरू के साथ खिलवाड़ किया है, और हमने क्लास जाने का फैसला खुद से नहीं लिया। माजी ने मैंने परमिशन दिया था, बकायदा पूछ लीजिए उनसे। आपने गुस्से से देखा उसको, शशि को? शशि इधर खड़ी है। हाँ, पीछे से थोड़ा सा ऐसा देखेगा, रोलिंग सर नीचे कर लेंगे। एक्शन। गुस्से से देखा, सर नीचे कर ली, और अगर आपको हमारा डांस क्लास जाना है इतना ही। सर सबसे पहले आज के शूट में आपका क्या सुनना है? आज एक मेजर टर्न ओवर हुआ है, उर्मी सम्राट के सामने बोली है। आज तक सम्राट तंग करता है उर्मी को, एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है सीरियल का, जिसमें उर्मी रिटेलिएट करती है, सम्राट को अच्छी तरह से सुनाती है और सम्राट की पोल खुलती है। तब क्या वजह उर्मी सम्राट को सुनाती है? अभी तक उसे वो टॉर्चर कर रहा था, हर बात पे कोई ना कोई बहाना मार के, झूठ बोल के उसको नीचा दिखा रहा था, उसकी वुमेनहुड को चैलेंज करता था, अपनी बीवी को पैर की जूती समझता था, बहुत साहब से। अब ऐसा टाइम आ गया कि जब उसको मुंह खोलना पड़ा, और अच्छी तरह मुंह खोला। तो ऐसे जब मैं आपका करेंगे, आप घर के बड़े हैं, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस पर? क्या हुआ? चाहे वो मेरा बेटा है, लेकिन वो अगर बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँगा। और आपकी वाइफ का? मेरी वाइफ तो जैसा करेक्टर देखा है वो तो दोनों तरफ होती है। मेरी वाइफ तो जैसे आम सांस होती है, वो एंटी बहू ही होती है। तो आप क्योंकि आपकी जो इमोशंस है वो किसके तरफ ज़्यादा? मेरी बहू की तरफ, बहू की तरफ। लेकिन जैसा देखा गया कि एक डैड का अपने सन के प्रति जो होता है वो हमेशा अपने सन को सपोर्ट करता है। कब तक सपोर्ट करेगा, कहाँ तक? वो जलालत करता रहे और सपोर्ट करता रहे। मेरे ख्याल तो बचपन में ही ठीक करना चाहिए था ऐसे आदमी को। इट्स टू लेट। जो गलत है उसका साथ नहीं देना चाहिए, बेटा भी हो तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से सीरियल में काफ़ी सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, जो टर्न नया आने वाला है उस बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में तो अब जो सीरियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा, पहले बता दूंगा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं बता सकते, आप देखते जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है सीरियल, बहुत टर्निंग आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें नई, आपको मज़ा आएगा देखने में। अभी तक सब लोग जैसे बोल रहे थे कि भैया ये बहू क्यों सह रही है, क्यों सह रही है, क्यों सह रही है, आजकल तो कोई बहू सहते नहीं, तो अब आपको पता चलेगा कि वो सह नहीं रही, अब वो सही मायने में खड़ी हुई है ऐसे आदमियों के अगेंस्ट। सम्राट के लिए आपका क्या ओपिनियन? सम्राट के लिए ओपिनियन क्या होगा, वो सफ़र करेगा, नाउ ही विल सफ़र, और क्या करेगा, जो उसने किया है अपनी पछताएगा बैठ कर। अब आगे कहानी क्या मोड़ लेगी वो मैं अभी बता नहीं सकता। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Yeah.